Hi guys, welcome back to our YouTube channel. My name is Asha and I am Sana and we are the Dumb Dua. So guys, आज हम react करने वाले हैं एक very emotional बयान पे, which is by मौलाना तारिक जमील. गाइज, हमने अभी कल परसों भी शायद इनके एक बयान पे रिएक्ट करा था और इनके बयान बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं हम लोग को, एंड यू गाइज लव्ड इट टू. तो हमने सोचा कि एक और बयान पे रिएक्शन बनाते हैं, बट इस पे वीडियो नहीं होने वाली, ये सिर्फ ऑडियो है. ऑडियो हाँ. So, अभी देखते हैं कि क्या होने वाला, किस कॉन्टेक्स्ट में होने वाला, बिकॉज वी डोंट नो एनीथिंग. यस, अभी हमें कुछ नहीं पता, बट बाकी हमें इनकी बात सुन के बड़ा बहुत ज्यादा नॉलेज मिलती है. तो बयान के सुनने के बाद हम आपको बताएंगे कि हमें क्या क्या बातें इनकी अच्छी लगी और किस किस बातों पे हमें हमें आपको भी चीजें एक्सप्लेन करनी है. मतलब वो तो ऑलरेडी कर रहे हैं गाइस बेसिकली. और गाइस, आप हमारे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर न्यू चैनल जिस पे आज हमारी फर्स्ट वीडियो आने वाली है गाइस. यस, फर्स्ट वीडियो आने वाली है और तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाके सब्सक्राइब कर दो. यस गाइस, सो लेट्स गो. शर्मिंदा नहीं है, इंसानों को कपड़ों पे नहीं तोला जाता. आज का मेरा देश कमालदार इतना फकीर हो गया है, इतना छोटा हो गया है कि वो अपना तारुफ करवाने के लिए 50 लाख की घड़ी लेता है, 6 लाख का जूता लेता है. आज की बेगम इतनी छोटी हो गई है कि अपने आप के अपने कद को बड़ा करने के लिए वो 10 लाख का हैंड बैग लेती है कि देखो मेरा बैग 10 लाख का है. अरे मेरी बहन, तू 10 टके की भी नहीं रही अगर तूने बैग से अपने आप को बड़ा बनाया. ओ मेरे दोस्त, तू 2 टके का नहीं है अगर तू 10 लाख के जूते और 50 लाख की घड़ी से अगर तू बड़ा बनना चाहता है. अरे इस धोखे से निकल. ब्रांडेड 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 कहां जा रहे हो? जब तुम अपनी जात में बेकीमत हो तो रब्बे जुल जलाल की कसम, तुम्हारी घड़ियां, तुम्हारे बैग, तुम्हारी गाड़ियां, तुम्हारे बंगले तुम्हारी इज्जत को बढ़ा नहीं सकते. अब्बा जान, आज हम खुशी से बुलंद हैं कि हमारे बाप ने बद्यांती नहीं की. घर में तशरीफ लाए, कहने लगे फातिमा कुछ पैसे हैं, मेरा अंगूर खाने को चीजा. बस फातिमा रोने लगी. फरमाया मेरुल मोमिनीन, खजाना तो भरा पड़ा है, एक दिरम का भी तेरा हक नहीं है कि तू एक दिरम लेके अंगूर खरीद ले. तो थोड़ा पुठे फातिमा, मैं जहन्नम नहीं बर्दाश्त कर सकता. ओ मेरे भाइयों, जो दिन रात सूद में फंस चुके हो, जो दिन रात जुए शराब में फंस चुके हो, कैसे अल्लाह के सामने सुरखरू होकर खड़े हो गए? एक रात घर में तशरीफ लाए, बच्चियां बेटियां मुंह पे हाथ कपड़ा रखा, दुपट्टा रखा मुंह पे और बात करें. आपने पूछा, अरे क्या हुआ तुम्हें, ये मुंह पे कपड़ा क्यों रखते हो? तो खामोश हो गई, लेकिन घर की खादमा रो पड़ी. का अमीरुल मोमिनीन, आज आपकी बेटियों ने कच्चा प्याज तोड़ के उससे रोटी खाई, सालन खाई. और मेरे आज का ताजर कहता है झूठ ना बोलूं तो कारोबार कैसे. मेरा अफसर कहता है रिश्वत ना लूं तो गुजारा कैसे करूं. तो उमर बिन अब्दुल अजीज फिस पे हिचकियों के साथ रोए, का मेरी बच्चियों, मैं तुम्हें बड़े अच्छे खाने खिला सकता हूं पर मैं जहन्नम की आग बर्दाश्त नहीं कर सकता. भाइयों, उस बंदे ने अपने आप को ज़बा कर दी, अल्लाह को राजी करने के लिए ज़बा कर दी अपने जात को, अपने जज्बात को, अपने एहसासात को. हाँ, अब अल्लाह ने सिला क्या दिया, जब इंतकाल हुआ होने लगा तो बुलाया राजा को, जो मैं बात पहले छोड़ के इधर उधर उनकी थोड़ी सीरत बताई कि राजा अब मैं मरने लगा हूं. अब्दुल मलिक काला हो गया था, वलीद काला हो गया था, सुलेमान काला हो गया था. ये क्यों काले हुए थे? ये बेनमाजी नहीं थे, बदकारी नहीं करते थे, किसी की तरफ इनकी मैली आंख नहीं उठी कभी. ये जालिम थे, जालिम जालिम, इंसानों का खून पिया, माल में खयानत की. इस पर अल्लाह ने चेहरे फेर दिए. आज उमर बिन अब्दुल अजीज जा रहा है, कहा देखो मैं जा रहा हूं, मुझे देखो मेरे साथ क्या होता है. इनका इंतकाल हुआ, इनकी मैयत
कब्र के किनारे रखी गई और अब नीचे उतारना है। सुलेमान की मैयत को उतारने लगे तो हिलने लगा और अजाब कब्र पहले शुरू हो गया। उमर की मैयत को जब कब्र के करीब किया गया, ऐसे हवा का झोंका आया, एक पर्चा ऐसे लहराता हुआ यूं आया, यूं आया, यूं आया और उमर के सीने पर गिर गया। लोग कठे हो गए। पर्चे को खोल के देखा गया तो उस पर लिखा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बराअतुम मिन अल्लाह उमर अब्न अब्दुल अजीज मिन अन्नार। ये परवाना है अल्लाह की तरफ से उसके बंदे उमर के लिए कि उसे जहन्नम से नजात की खुशखबरी सुना दी जाए। आहा, मरना हो तो यूं मरो, अल्लाह ऐसी मौत दे दे। कहते हैं मैंने उनको कब्र में उतारा, जब कब्र में उतारा तो क्या देखा, मैंने कफन की गिरा खोली तो चेहरा किबले की तरफ और यूं लगा जैसे 14वीं रात का चांद कब्र में उतर आया हो। और आखिरी बात करता हूं मेरे भाइयों, मेरे भाइयों बहनों, अपने अल्लाह से सुलह कर। ओके गाइस, सो द वीडियो एंडेड। और बड़ा इमोशनल था बयान भी, इन्होंने जिस तरह से चीजें समझाई बड़ा अच्छा था इनका मीनिंग। हाँ, समझा मतलब तो फर्स्ट हाफ तो था वो उन्होंने पूरी फिलोसफी मतलब फिलोसफिकली का पूरी अपनी बात समझाई है ना। सेकंड हाफ उन्होंने कुछ किस्से बताए स्टोरी टाइप, तो उसको पूरा मिला के जो समझ आया वो तो ये मेरे को समझ, जो मेरे को समझ आया वो तो मेरे को यही समझ आया कि मतलब पैसों से खुद को तोलना बंद कर दो कि तुम पैसों से हो बड़े या फिर ऐसे कुछ, बट तुम्हें दिल से इंसान अच्छा इंसान बनना चाहिए। और ये नहीं कि तुम 10 करोड़ का सामान खरीद के बोल रहे हो अब मैं बड़ी हुई हूँ या फिर अब मैं अच्छा, मैं अब अमीर इंसान हूँ या फिर ऐसा कुछ। हाँ मतलब अच्छे काम करने चाहिए। ऑल्सो उन्होंने ये भी बोला कि मतलब जो लोग मतलब दूसरों का बुरा करके अमीर हो रहे हैं, लेकिन वो ना सूद खाते हैं, exactly मतलब ये सब करते हैं, तो मतलब किसी अगर तुम काले कारोबार पैसे खा रहे हो तो वो पैसे किसी काम की नहीं है। और जैसे उन्होंने पूरे किस्से सुनाए कि वो मतलब उनकी जो बेटियां थी वो सिर्फ प्याज खाती थी, लेकिन वो सारा क्या था मतलब यू नो कौन सा पैसा बोलते हैं उसे, सफाई मतलब कि बिना साफ पैसा मतलब वाइट मनी। हाँ मतलब ऐसा कुछ नहीं कि गलत काम हो या किसी का दिल दुखाकर हो या किसी को कोई दिक्कत हुई हो तो ये सब। लेकिन उन्होंने ये भी बताई बात कि आज के टाइम में तो मतलब एक लाइन बोलती ना कि वो पता नहीं क्या बोला था कि वो ऑफिस में कौन कैसे जो सूद ना ले, मतलब आज के टाइम में तो इतना ज्यादा लाइक हो गया ये कि मतलब किसी को जैसे मान लो बहुत ज्यादा गरीब लोग हैं उनको भी अगर वो कोई पैसा देता है उधार पे तो मतलब इतनी ज्यादा वो लेते हैं क्या कहते हैं उस पर ब्याज, ब्याज जैसे मतलब अगर कोई भी बहुत ही गरीब है वो 2% ब्याज ऑब्वियसली नहीं दे सकता किसी भी उसका, पर उससे स्टिल वो लेते हैं क्योंकि उन्हें भी उससे पैसे कमाने हैं, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है, ऐसे नहीं लेना चाहिए ब्याज मेरे हिसाब से। Exactly. अगर कोई बहुत ज़्यादा नीडी पर्सन है तो उससे कभी भी नहीं लेना चाहिए। तुम किसी की हेल्प करो तो हेल्प के वजह से करो ना, ये कैसी हेल्प है मतलब। हाँ ये तो फिर अपना उसकी हेल्प में भी अपना बिजनेस है भाई। हाँ ये तो ये कि उनका फिर अपना बिजनेस ही हो कि किसी को दे रहे हैं पैसे अपने पे खुद है तो फिर और आएगा। हाँ, तो बिजनेस में हाँ अगर बैंक देता तो फिर भी समझ आता है क्योंकि बैंक तो ऑब्वियसली अपना वर्क निकाल के ऑफिसर्स को भी देगा, बट अगर तुम एज अ फ्रेंड या फिर हम किसी को दे रहे हैं तो वो बहुत गलत होता है ब्याज पे पैसे देना ज्यादा। मतलब उनकी पूरी वीडियो उन्होंने यही समझाया था कि लाइक कैसे विद मनी लोग अपने आप को समझते कि हम बहुत बड़े हुए एंड ऑल दैट, बट ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ तो और मतलब कंक्लूजन वो भी यही था शायद मोरल कि और ना अच्छा बोल हाँ यही था। अरे मतलब तू भी ऐड कर दियो बट मैं हाँ हाँ ठीक है बोल रही हूँ। मैं बोल रही थी कि मेरे को यही लगा कि मतलब ऐसे वाइट मनी से सब कुछ करना चाहिए, नहीं कि काले पैसे से तुम अपने आप को अमीर बना रहे हो और उसके बाद बोल रहे हो कि अब मैं बड़ी हूँ, ऐसा हराम का पैसा नहीं, हराम का पैसा नहीं होना चाहिए। हाँ गाइस, और एक चीज मेरे को बहुत अच्छी लगती है कि ना जो तारिक जमील साहब हैं वो मतलब सारे टॉपिक्स कवर करते हैं, मतलब जितने भी हैं यू नो जो लाइक हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं, मतलब किससे बयान वो सुनाते हैं सारे के सारे, लेकिन उसके साथ वो जो बात समझाते हैं ना वो किसी रिलीजन का बंदा समझ सकता है, मतलब यू डोंट हैव टू बी पर्टिकुलरली मुस्लिम टू अंडरस्टैंड दैट। सही में मतलब मेरे को भी समझ आ जाती है चीजें। हाँ, मतलब बहुत अच्छे से समझाते हैं और हर तरीके से मतलब यू नो ह्यूमनली वे में। हाँ एग्जैक्टली, मतलब वो ऐसे समझाते हैं कि सभी लोग उसको कंसीडर कर सकते हैं खुद में। क्योंकि रिश्वत और ये सब तो सभी लोग करते हैं ना, ये सब तो गाइज वो बहुत अच्छी चीज लगी। हाँ, तो इस्लाम में तो फिर यही होता है कि वो हराम का पैसा नहीं होना चाहिए।
लेकिन हर रिलीजन में भी कोई समझे तो सेम थिंग और होता होगा, और रिलीजन्स में भी ऑफकोर्स होता है, होता है. सो गाइज दैट वॉज द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बहुत बढ़िया हुआ है कि इस वीडियो नहीं 10 मिनट की हुई है, यस हमने 5 मिनट की वीडियो 5 मिनट बातें करी है. यस और सना भी मेरे को थोड़ी बाद में और भी वीडियो का डीप टू डीप मीनिंग भी बताइयो, मेरे को तो बहुत आता है अरे सर. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय. सब्सक्राइब करके जाना, दूसरे चैनल पर भी सब्सक्राइब करना. बाय 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 बाय.